हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल ओडिशा ब्लॉगर शेफाली। में कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा वीडियो बहुत 15-16 दिन के बाद ही मेरा वीडियो आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों इसकी वीडियो नहीं आ रही थी और इसका वजह क्या है, तो इस वीडियो में आप सबको वो रीज़न पता चल जाएगा। यूँ तो मैं आज हमेशा मेरे गांव, मेरे घर से, कैपिटल से, मेरा घर तो 60-65 किलोमीटर डिस्टेंस है और आज मैं वही डिस्टेंस कवर करके जा रही हूँ। सेम व्हीकल है, सेम रोड है, सब कुछ सेम ही है, पर कुछ अलग है तो वो मेरा सिचुएशन है। और मैं आज आपके सामने कुछ कह नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे ज़िंदगी में बहुत एक बड़ा खालीपन क्रिएट हो गया है जो कभी कभी भी फिलअप नहीं होगा। और आज मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई है, तो मैं उसको देख नहीं जा रही हूँ, देखूँगी क्या, अंतिम दर्शन करने जा रही हूँ। सच्चाई ही है, अगर कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा शायद सुन के, और बहुत हिम्मत करके मैं आज ये वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि आज पर यूट्यूब एल्गोरिदम और एक यूट्यूबर के लाइफ में जो भी अच्छा बुरा जो भी होता है वो सब कुछ इसमें अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करती है, तो यही रीज़न है। और फैमिली और बच्चे और पति इनकी जिम्मेदारी निभाते निभाते पता ही नहीं चलता कब हमारे माँ बाप हमसे अलग हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, हम चाहकर भी हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही अफसोस है लाइफ में मेरा। अब यहाँ मैं फाइनली घर में आके पहुंच चुकी हूँ और घर में मेरी माँ जो हमेशा रहती थी मुझे वेलकम, मैं सोच रही थी मैं कभी जाऊँगी मेरे घर में और मेरी माँ मेरी स्वागत करेंगी, ऐसा कुछ नहीं, वो सब सपना पानी। यहाँ पर मैं पहुँच गई थी 10 बजे के अंदर अंदर पहुँच गई थी, सब आ गए थे, ग्रेजुअली सब आ चुके थे, सब रिश्तेदार, बहन भाई बहन सब हर कोई आ चुका था मेरी माँ को देखने के लिए। और लास्ट में ही मेरा भाई पहुंचा, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस में रहता था, बहुत ही छोटा है मेरा भाई, सबसे छोटा है, हम तीन बहन के बाद मेरा भाई है, वो मुंबई में रहता है, तो वो इमरजेंसी फ्लाइट लेके आके पहुंचा 12 बजे के पास आसपास, 12 या 12:30 बजे खुद भी नोन हो गया था वो पहुँचा। उसके बाद ही मेरी माँ का अंतिम रिचुअल स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखिए, हमारे यहाँ उड़ीसा में तो यही होता है, जो भी सधवा स्त्री होती है, जिनकी मौत अपने पति से पहले होती है, उनके एक अलग सा रिचुअल कुछ होता है, वही सब यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, पता नहीं किसी को कैमरा पकड़ा दिया था, क्योंकि वो जितना भी शूट छोटा मोटा क्लिप है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आखिरी और लास्ट यहाँ पे है माँ की अंतिम विदाई का वक्त, और 6 बांस के बिस्तर बनाया गया है जिसमें माँ को लेके जाएंगे पूरी स्वर्ग द्वार, वहीं पर उसके अंतिम संस्कार होगा। और मेरा भाई भी आ चुका है सब रिश्तेदारों के साथ ही, ये लोग ये पूरी स्वर्ग द्वार हमारे घर से शायद 65 अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होगा, वहीं पर जाएंगे, वहीं पर अंतिम संस्कार करके वापस घर लौट के आएंगे। यहाँ पर देखिए, और यह टेंगुरा हम लोग इस कोरिया में बोलते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है, ये यहाँ पर बजाया जा रहा है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी यहीं पर एंड करती हूँ और आपके साथ कुछ माँ की कुछ पिक शेयर करती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं आपके साथ और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड जय जगन्नाथ।